जय श्री राम दोस्तों। अगर घर के बाहर इतना शानदार गार्डन मिल जाए और फुल फर्निश आलीशान प्रॉपर्टी मिल जाए तो बात ही कुछ और करना। दोस्तों आज जो प्रोजेक्ट मैं आपको टूर कराने वाला हूँ वो लोकेटेड रहेगा जयपुर शहर में वैशाली नगर के पास में। ईस्ट फेसिंग आपकी प्रॉपर्टी रहने वाली है। डायमेंशन अगर बात करूँ तो 27x80 इसका डायमेंशन रहने वाला है। बहुत ही खूबसूरत मॉडर्न एलिवेशन वर्क आपको इस प्रॉपर्टी में मिलने वाला है। फ्रंट एलिवेशन देख सकते हैं कितना सुंदर प्यारा मॉडर्न एलिवेशन वर्क यहाँ आपको मिलने वाला है। ट्रोलर पेंट का बहुत ही सुंदर प्यारा वर्क आपको मिलने वाला है। ऐसे स्टफन ग्लासेस की रेलिंग आपको लगे दिया रही, साथ में ब्रास का डिज़ाइनर वर्क आपको मिलने वाला है। और साथ में इस तरफ आप देख सकते हैं डिज़ाइनर जाली वाला वर्क भी आपको मिलने वाला है। प्रोफाइल लाइट का बहुत ही सुंदर प्यारा वर्क यहाँ आपको मिलने वाला है जो आपकी प्रॉपर्टी का जो फ्रंट का लुक है वो एनहेंस और करता है। बात करूँगा मेन वॉल पर, तो मेन वॉल पर आप देख सकते हैं स्टोन का बहुत ही सुंदर प्यारा वर्क आपको मिलने वाला है। स्टोन और टाइल्स का सुंदर प्यारा वर्क आपको मिलने वाला है। साथ में यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आपको गार्डन के लिए स्पेस दिया हुआ है। ब्रम एरिया में बात करें तो ब्रम एरिया में आपको एंटी स्किप स्टाइल्स लगा के दी गई है और एक फोर व्हीलर आप अपने विला के बाहर भी पार्क कर सकते हैं। 30 फीट रोड फेसिंग आपका ये विला रहेगा। सुंदर सुंदर लैंप यहाँ आपको लगा के दिए गए हैं। और जो आपका मेन डोर रहेगा, मेन डोर की मैं डिज़ाइन आपको दिखाना चाहूँगा एक बार। ये देख सकते हैं 3 फोल्डिंग ये आपका गेट रहने वाला है। और अब आप इसकी डिज़ाइन देखिए, स्टील एचपीएल मरीन शीट और ग्लास का बहुत ही सुंदर प्यारा डिज़ाइनर डोर यहाँ आपको मिलने वाला है। वीडियो डोर फोन सिस्टम यहाँ आपको लगा दिया जा रहा है गोदरेज कंपनी का। और आप देख सकते हैं गेट की डिज़ाइन, काफ़ी बड़ा गेट है और काफ़ी लग्जरी डिज़ाइन यहाँ आपको मिलने वाली है। जैसे आप अपने विला में अंदर मूव करते हैं ये आ जाता है इसका पार्किंग स्पेस। एक बड़ी एक्सयूवी गाड़ी आप अपने विला में इजीली पार्क कर सकते हैं। इसके अलावा जो छोटी गाड़ी है वो भी आप अपने विला में इजीली पार्क कर सकते हैं। ईस्ट फेसिंग आपकी प्रॉपर्टी रहेगी। साथ ही इस वाली प्रॉपर्टी में आपको जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है पानी की, वो प्रॉब्लम यहाँ पे फेस नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे इस वाली प्रॉपर्टी में आपको पर्सनल बोरिंग दिया जा रहा है। एक बोरिंग रहेगा और एक आपका वाटर टैंक रहेगा। ऑटो सेंसर सिस्टम लगा के दिया जा रहा है यहाँ पे। और ये आप गार्डन देख सकते हैं, इतना सुंदर प्यारा गार्डन यहाँ आपको डेवलप करके गया है। नेचुरल गार्डन है, नेचुरल ग्रास यहाँ आपको लगा के दी जा रही है और सुंदर सुंदर प्लांटेशन वर्क यहाँ आपको मिलने वाला है। और फ्रंट में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको झूला भी लगा के दिया जा रहा है। फोर सीलिंग का वर्क आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर प्यारा, सुंदर सुंदर पेड़ पौधे यहाँ आपको लगा के दिया जा रहा है। और बात करूँगा वेलकम वॉल पर, तो आप देख सकते हैं वेलकम वॉल पर बहुत ही सुंदर प्यारा वर्क आपको मिलने वाला है, ट्रोलर पेंट का, टाइल्स का। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बहुत सुंदर सुंदर फॉक्स लाइट लगा के दी जा रही है। यहाँ पे आप कुछ भी डिजाइनर पेंटिंग्स लगा सकते हैं। इस वाली प्रॉपर्टी में आपको एक नहीं बल्कि डबल एंट्री मिलने वाली है। ये आपकी सेकेंडरी एंट्री रहेगी जो सीधी एंट्री करेगी आपकी ड्राइंग एरिया से, और ये रहेगी आपकी प्राइमरी एंट्रेंस। बात करूँगा इस तरफ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शू रैक के लिए प्रोविज़न दिया गया है और वीडियो डोर यहाँ पर आपको कैमराज भी लगा के दिए जा रहे हैं। पूरी फुली फर्निश आपकी प्रॉपर्टी रहेगी। अब बात करूँगा मेन डोर की, तो मेन डोर देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपको दो डोर दिए गए हैं। आपका एक मैच डोर रहेगा जिसमें ग्लास वर्क भी आपको मिलने वाला है और एक मेन डोर रहेगा, वेंटिलेशन के लिए मिल जाती है विंडोज़। और ऊपर यहाँ पे आपको प्रोविज़न दिया हुआ है, आप अपना गणेश जी का मंदिर भी लगा सकते हैं। और गेट की क्वालिटी देख सकते हैं, हैवी बिल्ड क्वालिटी वाले ये आपके वुडन के गेट रहेंगे। और ये रहेगा आपका मेन डोर, मेन डोर आप देख सकते हैं बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का वुडन का डोर यहाँ आपको मिलने वाला है। डिज़ाइनर डोर दिया गया है और काफ़ी लग्जरी वर्क यहाँ आपको मिलने वाला है और प्रीमियम क्वालिटी का हैंडल लॉक यहाँ आपको मिलने वाला है। तो आइए दोस्तों अंदर चलते हैं। जैसे आप अपने विला में अंदर मूव करते हैं स्टार्टिंग में मिल जाता है आपको डाइनिंग कम लिविंग स्पेस, काफ़ी अच्छा स्पेस यहाँ में मिलने वाला है। 6 सीटर की डाइनिंग टेबल यहाँ आपको लगा के दी जा रही है। स्टेयर्स के नीचे अगर बात करें तो यहाँ पे आपको सोफा कम बेड लगा के दिया जा रहा है और स्टोरेज के लिए यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है। जस्ट सामने मिल जाता है आपको टीवी कैबिनेट पैनल और आप टीवी कैबिनेट पैनल की डिज़ाइन देख सकते हैं और साइज देख सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट होकर वहाँ पे ख़त्म होता है और डिज़ाइन देख सकते हैं बहुत ही प्यारी यूनिक डिज़ाइन यहाँ आपको मिलने वाली है। सुंदर सुंदर लाइट्स लगा के दी जा रही है और पैनासोनिक कंपनी का 52 इंची का टीवी यहाँ आपको लगा के दिया जा रहा है। साथ में ये आपकी वीडियो डोर फोन स्क्रीन रहेगी। नीचे आपको सामान रखने के लिए मिल जाता है स्पेस। ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी है तो जो आपका ईशान कोन है, ईशान कोन में यहाँ पे आपको पूजा का मंदिर दिया हुआ है और साइज़ देख सकते हैं बहुत ही प्यारा वुडन का डिज़ाइनर ये आपका मंदिर रहेगा, भव्य मंदिर यहाँ आपको मिलने वाला है। और नीचे आपका पूजा का सामान रखने के लिए मिल जाता है स्पेस। वेंटिलेशन के लिए विंडोज़ मिल जाती है। हाइट आप देख सकते हैं गेट की, 8x4 का प्रीमियम क्वालिटी डोर ही आपको मिलने वाला है। अब टूर करते हैं आपके गेस्ट
के लिए जो आपका रूम रहता है ड्राइंग रूम उसका, यहाँ आप देख सकते हैं 10 सीटर का सुंदर डिजाइनर सोफा यहाँ आपको मिलने वाला है। साथ में बीच में सेंटर टेबल आपको लगा के दी जा रही है। वेंटिलेशन के लिए मिल जाती है 2 बड़ी बड़ी विंडोज। मेन वॉल पे आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सुंदर डिजाइनर वर्क आपको मिलने वाला है वुडन का, और प्रीमियम क्वालिटी का ग्लास वर्क भी आपको मिलने वाला है। 2 सुंदर सुंदर वॉल लाइट्स लगा के दी जा रही है। एंड यहाँ पे आपके ड्राइंग और डाइनिंग को पार्टीशन करने के लिए यहाँ पे एक वुडन की वॉल क्रिएट की हुई है, जिसमें वुडन और ग्लास दोनों का डिजाइनर वर्क आपको मिलने वाला है। आर्टिफिशियल आइटम्स यहाँ पर अपना लगा सकते हैं शोपीस में। जस्ट सामने मिल जाता है आपको एक शोपीस के लिए जगह, और अदरवाइज इस वाले पोर्शन को आप यूज़ कर सकते हैं एज ए टीवी कैबिनेट। एसी यहाँ आपको लगा के दिया रहा है। 4 सीलिंग का वर्क आप देख सकते हैं, प्रोफाइल लाइट वर्क आपको मिलने वाला है, और साथ में यहाँ पर आपको डिजाइनर फैन भी लगा के दिया रहा है। गैस के लिए यहाँ आपको मिल जाता है एक पाउडर रूम, यह आपका पाउडर रूम रहेगा। आप देख सकते हैं प्रीमियम क्वालिटी का वर्क आपको मिलने वाला है। 8 फीट तक यहाँ आपको टाइल्स लगा के दी जा रही है, और वॉल माउंट WC आपको मिलने वाली है। फिटिंग जो भी रहेगी सारी ब्रांडेड रहेगी, सेरा कंपनी की फिटिंग यहाँ आपको मिलने वाली है। एक बार नज़र मारिए यहाँ से, ये जो व्यू मिलने वाला है वो 400 गज 500 गज की प्रॉपर्टीज़ में मिलता है। जैसे आप आगे मूव करते हैं ये जाता है आपका किचन वाला स्पेस। वास्तु का जो सेकंड ऑप्शन है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, उसमें आपकी ये किचन रहेगी। एल शेप में आपका किचन का स्लैब लगा के दिया जा रहा है। कुकिंग पार्ट आपका जो गैस चूल्हा है और जो पानी का है उसमें काफ़ी डिस्टेंस है, दोनों को सेपरेट रखा हुआ है। सेंसर मोशन वाली चिमनी लगा के दिया रही है। 4 बर्नर होब लगा के दिया रहा है, हिंडवेयर कंपनी का। यहाँ पर बात करेंगे तो साउंडलेस ही आपको सिंक मिलने वाला है। पूरी जो फिटिंग रहेगी सारी हिंडवेयर की, यहाँ आपको साउंडलेस सिंक मिलने वाला है, और फिटिंग जो रहेगी आपकी सेरा की रहेगी। अपर कैबिनेट्स आप देख सकते हैं ग्लास सरफेस यहाँ आपका रहेगा, और सॉफ्ट क्लोजर्स यहाँ आपको मिलने वाला है। एंड इस तरफ अगर बात करें तो यहाँ पे आपको RO के लिए प्रोविज़न दिया हुआ है, गीज़र ऊपर ऑलरेडी इंस्टॉल करके दिया गया है। इस तरफ अगर बात करें तो ये आपका माइक्रोवेव, ओवन और डिशवॉशर तीनों यहाँ आपको लगा के दिया रहा है। इस तरफ अगर बात करें तो यहाँ पे क्रॉकरी आइटम रखने के लिए मिल जाता है स्पेस, और यहाँ पे आपको मिल जाता है डबल डोर फ्रिज, अभी हमने सील पैक किया हुआ है। आप आएंगे प्रॉपर्टी लेंगे, आपके हाथों से रिबन कटवाएंगे। अब बात करते हैं बैकयार्ड की। अगर आप कोई फंक्शन कर रहे हैं तो उसके लिए स्पेस दिया हुआ है हमने, कि आप अपने जो बड़े बर्तन हैं उनको रखने के लिए जो सामान होता है वो आप जो बर्तन धोने के लिए यहाँ पे पीछे पर्टिकुलर स्पेस दिया हुआ है, ये आपकी बैकयार्ड रहेगी। प्रॉपर साइड बैक छोड़ के बनी हुई आपकी प्रॉपर्टी है। यहाँ पे भी आपको एक वॉश बेसिन लगा के दिया रहा है, और सिंक लगा के दिया रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा कवर्ड किया हुआ है। ये जो बैकयार्ड रहेगा इसका एक्सेस रहेगा आपका किचन से, और जो फर्स्ट रूम है ग्राउंड फ्लोर पे दोनों से रहेगा। यहाँ पे भी आपको मैच डोर आपको मिलने वाला है। 4 सीलिंग वर्क आप देख सकते हैं यहाँ पे किचन में मिलने वाला है, और यहाँ पे वुडन का प्रीमियम वर्क आपको फ्रंट साइड में मिलने वाला है। काउंटर बेसिन ही आपको लगा के दिया जा रहा है, बहुत ही सुंदर प्यारा डिजाइनर। अब बात करते हैं आगे, ये आता है आपका फर्स्ट बेडरूम। इस वाली प्रॉपर्टी में आपको 2 मास्टर बेडरूम आपको मिलने वाले हैं। 4 बेडरूम वाली फुली फर्निश आपकी प्रॉपर्टी रहेगी। डायमेंशन 27x80 240 गज की आपकी प्रॉपर्टी है। ईस्ट फेसिंग आपकी प्रॉपर्टी रहेगी। रेट थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूँ, उससे पहले मैं आपको जो ये आपका ये पर्टिकुलर स्पेस अभी लॉक है, ये पर्टिकुलर स्पेस है, यहाँ पे एक वार्डरोब दी हुई है। जो आपका कुबेर का स्थान होता है वो यहाँ पे एक वार्डरोब दी हुई है, तो आप अपना जो पैसा गहना काटा है वो आप आराम से यहाँ पे रख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया था बैकयार्ड के लिए यहाँ पे एक्सेस दिया हुआ है। स्लाइडर डोर यहाँ आपको मिलने वाला है, जो सामने आपको मिल जाता है टीवी कैबिनेट पैनल। और ये जो आपके जो आपका बेड रहेगा ये आपका स्लाइडर बॉक्स वाला बेड रहेगा। कुल्टिंग का बहुत ही सुंदर प्यारा वर्क आपको मिलने वाला है। इस तरफ आपको मिल जाता है ड्रेसिंग के लिए स्पेस, ये आपकी वार्डरोब रहने वाली है स्लाइडर वार्डरोब। एंड ये रहता है आपका फर्स्ट रूम से अटैच बाथरूम। वॉल माउंट WC मिलने वाली है सेरा कंपनी की। क्यूबिकल पार्टीशन आपको करके दिया रहा है, और हिंडवेयर कंपनी का गीजर यहाँ आपको लगा के दे रहा है। यहाँ पे फैन आपको मिलने वाला है, और काउंटर बेसिन यहाँ आपको लगा के दिया जा रहा है। 240 गज में बनी हुई 4 बेडरूम वाली आपकी प्रॉपर्टी है। पूरा कंप्लीट फर्नीचर के साथ में हम ये प्रॉपर्टी आपको प्रोवाइड कराएंगे। जयपुर शहर में वैशाली नगर के पास में आपकी प्रॉपर्टी लोकेटेड रहेगी। दोस्तों अगर बात करूँ प्राइस की तो 3 करोड़ रुपये इसकी प्राइस है। तो दोस्तों अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा आपके स्टेयर्स का वर्क। इसमें ग्रेनाइट और टाइल्स का बहुत ही सुंदर पैरा वर्क आपको मिलने वाला है। वुडन और टफन ग्लासेस की रेलिंग यहाँ आपको लगा के जा रही है। स्टेयर्स की वॉल पे आप देख सकते हैं सुंदर सुंदर यहाँ पे आपको फ्लावर पॉट लगा के दिए जा रहे हैं, और यहाँ पे भी आपको देख सकते हैं बहुत ही सुंदर प्यारा यूनिक डिज़ाइन वाला फ्लावर पॉट लगा के दिया जा रहा है। और हम आप पहुँचे हैं
फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ पे आपको मिल जाता है 3 बेडरूम। बात करेंगे सेकंड बेडरूम की, और ये रहने वाला आपका सेकंड मास्टर बेडरूम। साइज़ देख सकते हैं, जैसा साइज़ नीचे है सेम एज इट इज़ साइज़ आपको मिलने वाला है। कुल्टिंग का सुंदर प्यारा वॉल बेड यहाँ आपको ला के दिया जा रहा है। एंड ये भी आपका रहेगा बॉक्स बेड, जस्ट सामने आपको मिल जाता है टीवी कैबिनेट पैनल, और यहाँ पे आपको टीवी लगा के दिया जा रहा है। और ये रहेगा अटैच आपकी बैकयार्ड से, काफ़ी अच्छा स्पेस दिया गया है। यहाँ पे आप अपना जो वॉशिंग पार्ट है वो आप रख सकते हैं, वॉशिंग मशीन यहाँ रख सकते हैं। अटैच मिल जाएगी आपको ड्रेसिंग, वॉकिंग वार्डरोब रहेगा, और इसमें भी मिल जाता है आपको अटैच बाथरूम विथ क्यूबिकल पार्टीशन, वॉल माउंट WC आपको लगा के दिया रहे, और काउंटर बेसिन ही आपको लगा दिया जा रहा है। कंप्लीट फर्नीचर के साथ में आपकी प्रॉपर्टी है। ये सेकंड बेडरूम था। आप टूर करते हैं आपके घर के नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए किड्स बेडरूम, तो ये आता है आपका किड्स बेडरूम। थर्ड बेडरूम आपका रहेगा, इसमें भी आपको एक बेड मिलने वाला है, जस्ट सामने मिल जाता है टीवी कैबिनेट पैनल, और बड़ी बड़ी वार्डरोब आपको मिलने वाली है। एंड इस तरफ अगर बात करें तो यहाँ पर आपको बच्चों के लिए मिल जाता है एक सुंदर सा प्यारा वॉशरूम। फिटिंग जो भी रहेगी सारी सारा की मिलने वाली है, और लगभग 8 फीट की हाइट तक टाइल्स लगा के दी जा रही है। हर रूम में अलग इंटीरियर वर्क आपको मिलने वाला है। ये आप देख सकते हैं, ये आपका सेकंड हॉल है, काफ़ी अच्छा स्पेस है, आप इसको कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपर्पज़ हॉल आपका ही रहेगा। इस वाली प्रॉपर्टी में आपको 4 बेडरूम और 3 बड़े बड़े हॉल मिलने वाले हैं, ग्राउंड फर्स्ट और सेकेंड फ्लोर पर। यह आता है इसका 4th बेडरूम, स्पेशल आपका 4th बेडरूम रहेगा। यहाँ पर आपको मिल जाता है 3 सीटर का सोफ़ा, ये रहेगा आपका बेड, बॉक्स बेड आपका रहने वाला है, स्लाइडर और कुल्टिंग का बहुत ही सुंदर प्यारा वर्क आपको मिलने वाला है। प्रोफाइल लाइट का वर्क यहाँ आपको करके दिया जा रहा है, और साथ में देख सकते हैं प्रीमियम क्वालिटी का वॉलपेपर वर्क यहाँ आपको मिलने वाला है। स्टडी टेबल के लिए प्रोविजन दिया हुआ है, जस्ट सामने मिल जाता है आपको टीवी कैबिनेट पैनल। एंड इस तरफ एक बार मैं आपको पीछे दिखाना चाहूँगा, ये तो एक खुफिया स्थान है जहाँ पर आप अपना गहना काठा पैसा सब रख सकते हैं, मतलब रूम में भी सीक्रेट रूम, सीक्रेट प्लेस। जैसे आप आगे आते हैं, ये रहेगा आपका वॉकिंग वार्डरोब विथ अटैच बाथरूम, स्लाइडर डोर यहाँ आपको दिया, क्यूबिकल पार्टीशन आपको करके दिया जा रहा है। तो आइए दोस्तों, अब चलते हैं जो आपके 4th बेडरूम की फ्रंट साइड की बालकनी है उसका टूर करने। ये रहेगी आपकी फ्रंट साइड की बालकनी, यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा स्पेस ही आपको मिलने वाला है। यहाँ आप अपना झूला, सिटिंग पॉइंट, चेयर्स कुछ भी लगा सकते हैं। फोर सीलिंग वर्क आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर प्यारा, और शाम का नज़ारा आप देख सकते हैं आपके विला का कितना प्यारा लुक आने वाला है। और यकीनन मानिए, वीडियो में जो आप इस प्रॉपर्टी का व्यू देख रहे हैं उससे 10 times मच बेटर ये शाम का व्यू आपको इस प्रॉपर्टी में मिलने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर कट दिया हुआ है वेंटिलेशन के लिए और एक लुक देने के लिए। फोर सीलिंग वर्क आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर प्यारा इंटीरियर वर्क आपको मिलने वाला है। AC आपको सब रूम में और हॉल में, ड्राइंग रूम में, सभी जगह लगा के दिया जा रहा है। अब बात करेंगे आगे, तो यहाँ आप देख सकते हैं कितना सुंदर झूमर यहाँ आपको लगा के दिया जा रहा है। और यहाँ से आप नीचे का अगर व्यू देखते हैं तो बहुत ही सुंदर प्यारा व्यू आपको मिलने वाला है इस प्रॉपर्टी में। और हम आप पहुँचे हैं आपके 3rd हॉल पे, काफ़ी अच्छा स्पेस यहाँ आपको दिया गया है, 2 सुंदर सुंदर चेयर्स यहाँ आपको लगा के दी जा रही है, और बीच में मिल जाती है सेंटर टेबल। इस वाली विला में जो आपकी टेरिस रहेगी उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक आपकी फ्रंट साइड की टेरिस रहेगी और एक आपकी बैक साइड की टेरिस रहेगी। ये आपकी बैक साइड की टेरिस है, यहाँ पर आपको एक जाली वाला गेट लगा के दिया जा रहा है। और फ्रंट साइड की टेरिस में भी बात करूँ तो यहाँ पर भी आपको वुडन का डोर और साथ में आपको स्टील डोर ये आपको मिलने वाला है। और ये रहेगी आपकी फ्रंट साइड की टेरिस। ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ये आपका गजीबो पॉइंट रहेगा, जिसे अभी हम आपको डेवलप करके देंगे। यहाँ पे भी आपको आर्टिफिशियल घास का वर्क, सुंदर सुंदर लाइट्स लगा के दी जाएगी, सुंदर सुंदर चेयर्स लगा के दी जाएगी, सिटिंग पॉइंट यहाँ प्रॉपर तरीके से डेवलप करके दिया जाएगा। एंड यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मार्बल का सुंदर प्यारा वर्क आपको मिलने वाला है। और अगर बात करूँ तो यहाँ पर आपको एक कॉमन बाथरूम दिया हुआ है ऊपर टेरिस पे, अगर आप ऊपर शाम को फैमिली के साथ बैठते हैं तो आप आराम से यहाँ पे बैठकर टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कंप्लीट टूर था इस प्रॉपर्टी का। यहाँ पे भी सुंदर सुंदर लाइट्स लगा के दी गई है, सुंदर सुंदर पेड़ पौधे लगा के दिए गए हैं। ये कम्प्लीट टूर था इस प्रॉपर्टी का। जयपुर शहर में वैशाली नगर के पास में आपकी प्रॉपर्टी लोकेटेड रहेगी, और मेन अजमेर रोड से मात्र अगर मैं बात करूँ तो 300 से 400 मीटर की डिस्टेंस पर आपकी प्रॉपर्टी रहने वाली है। ये सामने जो आप पार्ट देख रहे हैं ये मेन अजमेर रोड है, तो अजमेर रोड से मात्र 200 से 300 मीटर की डिस्टेंस पर आपकी प्रॉपर्टी रहने वाली है।
27x80 इसका डायमेंशन रहने वाला है। 280 गज में बनी हुई आपकी प्रॉपर्टी है और 240 गज में बनी हुई आपकी प्रॉपर्टी है। 3 करोड़ रुपए हम इसकी डिमांड करते हैं। कुछ मान सम्मान नेगोशिएशन रहेगा। अगर आप भी इस सुंदर प्रॉपर्टी की विजिट करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उस वीडियो को ज़्यादा लोगों से शेयर करें। धन्यवाद।